चार पाँच भैया, ये ब्लू वाला गोगल दे देना इसको। हेलो दोस्त नमस्कार। हेलो दोस्त नमस्कार, मैं जीत तिवारी अपनी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहां पर एक झरना है जिसे बीफास कहा जाता है, तो इस झरने का नाम बीफास क्यों पड़ा, इसे बीफास क्यों कहते हैं इस झरने को, क्या आपको ये क्वेश्चन मालूम है? दोस्तों बी माने होती है मधुमक्खी, बी डबल ई, और इस झरने का संबंध मधुमक्खी से ही रखा गया है। इसका कारण क्या है कि जब एक अंग्रेज यहाँ पर आया और उसने इस झरने के पास बैठा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मधुमक्खियों के, बहुत सारी मधुमक्खी जब आवाज करती हैं तो जो आवाज आती है इसका पानी काफी ऊंचाई से गिरता है, तो उसे ऐसा ही आवाज सुनाई दी। आप देख सकते हो उसमें किसी ऊपर से पानी गिर रहा है, देखिए यहाँ पर, और आगे चल के जब उसने इस पानी में, पानी के नीचे आकर नहाने की कोशिश की तो हल्का सा उसे वैसा ही एहसास हुआ जैसे जब कोई मधुमक्खी डंक मारती है। सबसे उसने इस झरने का नाम बीफास रख दिया और सबसे इस झरने को बीफास के नाम से ही जाना जाता है। आप इसकी आवाज सुन सकते हो,